गाइज Realme X3 को लेकर आप लोग काफी बेसब्री से वेट कर रहे थे, तो फाइनली इस डिवाइस को 16 जून को इंडोनेशिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा और ऐसे रूमर्स है कि सेम डे में इस डिवाइस को इंडिया के अंदर भी लॉन्च किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी डिवाइस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लीक्स ऐसी निकल कर सामने आ रही है जिसको सुनकर आप काफी हैप्पी होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी डिवाइस के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस फाइनली बात करते हैं सबसे पहले इस डिवाइस की हम बिल्ड और डिजाइनिंग को लेकर। तो यहाँ पर Realme X3 सुपर जूम एडिशन के जैसे ही आपको Realme X3 में भी सेम डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको ग्लास बॉडी का डिजाइन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो बैक साइड का डिजाइन वो काफी सिमिलर देखने को मिलने वाला है। बस यहाँ जो डिफरेंस होने वाला है वो है टेलीफोटो लेंस को लेकर। अगर बात करें बैक साइड की कैमरे की, तो रियर साइड में आपको वाइड कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा एंड उसके साथ ही आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि लीक्स के अकॉर्डिंग स्नैपड्रैगन 855 प्लस का पावरफुल चिपसेट आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि Realme X3 सुपर जूम एडिशन में भी हमें देखने को मिल चुका है। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है उनके लिए, जो कि बहुत ही अच्छी गेमिंग और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं Realme की तरफ से। तो यहाँ पर Realme की तरफ से आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही अगर बात करते हैं दोस्तों बैटरी के बारे में, तो 4200 mAh की एक पावरफुल बैटरी 30W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाला है। और अब बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में, तो 6.6 इंच का आपको एक IPS LCD पैनल 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि इसमें आपको कोई भी AMOLED पैनल देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ गुड न्यूज ये है कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जा रही है, जिसमें कि आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसका प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर बात करें इस डिवाइस की UI की, यानी यूजर इंटरफेस की, तो इस डिवाइस के अंदर आपको Android 10 के साथ Realme UI 1.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो इस डिवाइस का जो बेस वेरिएंट देखने को मिलने वाला है उसकी प्राइसिंग अप्रोक्स 20 से 22 हजार रुपए के करीबन बताई जा रही है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर आपको कोई भी टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस डिवाइस का अप्रोक्स प्राइस आपको 20 से लेकर 22 हजार रुपए के करीबन देखने को मिल सकता है। और साथ ही में बात करें इस डिवाइस की लॉन्च डेट के बारे में, तो 16 जून को इस डिवाइस को इंडोनेशिया के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है और लीक्स के अकॉर्डिंग सेम डे में ही आपको इंडिया के अंदर भी ये डिवाइस देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो आप क्या एक्साइटेड इस डिवाइस को लेकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।